यहाँ पे हमारे 200 ऐसे डॉग होते हैं जिनका फर छोटा होता है, उनकी यहाँ पे गर्मियों में गर्मी पड़ जाती है। ये भी भोटिया की नस्ल है, ये डॉग जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इनकी ये निशानी होती है, कान नीचे होते हैं, पूंछ घूमी हुई होती है और पंजा देखिए कितना बड़ा है। पर बस इसमें फर का फर्क होता है, क्योंकि ऊपर बर्फ़ पड़ता है इसलिए उनका फर मोटा होता है। उनका फर यहाँ पे हल्का होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से चेंज हो चुके हैं और थोड़ा मिक्स किया जाता है नीचे आते आते डॉग। आदत नहीं होती है लोगों, बेसिकली लोग मारते रहते हैं, कोई पत्थर मार देता है, कोई डंडे मार देते हैं, तो ये दूर ही रहते हैं। फिर ये फीमेल है दोस्तों और ये मेल है, हो सकता है इसने कहीं बच्चे दिए हों। डॉग की हाइट भी काफी अच्छी है और क्वालिटी भी काफी अच्छी है। गद्दी यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। ऊपर बर्फ पड़ जाता है तो नीचे वाली धारों में उतर जाते हैं, बिलासपुर हमीरपुर, यहाँ नॉर्मली जब वहाँ पे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आ जाते हैं तो कई बार उनके डॉग की ब्रीड्स भी यहाँ पे छोड़ जाती हैं। जैसे डॉग किसी के साथ यहाँ पे उनका डॉग किसी के साथ ब्रीड कर ले, क्रॉस कर ले, तो ये देख रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा यहाँ पे क्लाइमेट गर्म होता है इसलिए इनकी जो फर है वो छोटा होता है, नहीं तो अगर आप अपर रेंज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा और बड़ा फर मिलेगा डॉग का, जिसको हम लॉन्ग कोट कहते हैं, डबल कोट होता है उनका, छोटे बाल अंदर होते हैं और लंबे लंबे बाहर, तो इसका कोट भी अच्छा है पर उतना ज्यादा नहीं है। ये जो मैस्टिफ हमारे डॉग होते हैं, इनकी पहली निशानी गद्दी कुत्तों की यही होती है कि इनकी पूंछ राउंड होती है और कान हमेशा नीचे होंगे, और माथा देखिए इनका कितना, ये हेड साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है, जर्मन शेफर्ड से भी ज़्यादा वाइट पोर्स रखते हैं ये, और बीमारियाँ बिल्कुल बहुत कम लगती है। दोस्तों अभी कहीं चला गया ये और यहीं घूमते रहते हैं। अगर डॉग को दिखा है भाई तो छोड़ेंगे नहीं, चली गई है, दोबारा आएगी इस टुकड़े के लिए।
उठाया नहीं जा रहा उसे, अभी हाथ से नहीं खाती है ये, एक्चुअली पाली नहीं हुई है। ले माऊ थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, पर जैसे ही एक बार हाथ से खा लेगी तो फिर खाती रहेगी। ले इनका भरोसा जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो अगर इसके पीछे आप दौड़ेंगे, इसको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं आती है। ले ले डर रही है दोस्तों, यहीं रख देते हैं। नीचे से खा रही है, नीचे से खा ले रही है, हाथ से नहीं खा रही है। एक बार फिर कोशिश करते हैं। छोटा शेर है ये।